नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम एडोब फोटोशॉप को रन करते हैं तो हमारे सामने ऐसा एरर आ जाता है। इस एरर में लिखा हुआ है सॉरी इंस्टॉलेशन फेल्ड, एरर कोड 195। दोस्तों, इस तरह का एरर आ जाता है, इस एरर को सही कैसे करें, चलते हैं स्क्रीन की ओर। आपको ऊपर प्रोडक्ट्स में जाना है, इसमें PHSP की फाइल होगी, इसे ओपन कर लेना है और नीचे एप्लीकेशन की एक फाइल दिख जाएगी, इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ करके नोटपैड में खोल लेना है और यहाँ पर एडिट में फाइंड का ऑप्शन होगा, इसे ओपन कर लेना है। इसमें सिस्टम लिखकर फाइंड करना है। यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, इसके आगे सिस्टम का वर्जन दिया हुआ है। अब हमें अपने कंप्यूटर में चेक कर लेना है कि अपने कंप्यूटर में कौन सा वर्जन है, तो हमें विंडो प्लस आर प्रेस करके विनवेयर टाइप करना है और इंटर कर देना है। इसके बाद जो ये सिस्टम है इसमें विंडो 11 है और इसका वर्जन KISS H2 है। यहाँ पर आपका वर्जन 6.3 भी हो सकता है, 8.3 भी हो सकता है, 10.3 भी हो सकता है और कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है। यहाँ पर जो भी वर्जन है उस वर्जन को देख लेना है कि यहाँ पर कौन सा वर्जन है। मेरे यहाँ पर 21H2 वर्जन है, इसमें जो वर्जन लिखा हुआ है उस वर्जन को सिलेक्ट कर लूंगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें ये वर्जन ही सिलेक्ट करना है, आगे पीछे कोई भी डॉट कोमा नहीं हटना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर 21H2 टाइप कर दूंगा। इस तरह आगे विन प्लस वर्जन में भी सिलेक्ट करके 21+2 टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पे विन ओएस वर्जन में इसको सिलेक्ट करके 21H2 टाइप कर देंगे। इस तरह आपको जहाँ पर भी मेन वर्जन लिखा हुआ है या सिस्टम वर्जन लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करके अपने सिस्टम का वर्जन टाइप कर देना है। फिर इस फाइल को सेव कर लेना है और बंद कर देना है। अब हम एडोब फोटोशॉप को रन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर रन होने लग जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।